छतरपुर में वरिष्ठ नागरिकों एवं फौजी परिवारों के लिए नई पहल शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिकों तथा फौजी परिवारों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। छतरपुर में एसपी अमित सांगी ने आलंबन योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों और फौजी परिवारों की सहायता के लिए सशस्त्र बल हेल्प डेस्क की स्थापना पुलिस लाइन परिसर में कराई है, जिसका उद्घाटन अमित सांगी ने किया। एसपी ने बताया कि जिले के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अपने संतानों से पीड़ित हैं या फिर उनके बच्चे उन्हें साथ रखने से इनकार करते हैं, वे अपनी शिकायत हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। जो हमारे जवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं या फोर्सेस के हैं, जिसमें जल सेना, वायुसेना या आर्मी है, ये जो दूरस्थ सीमाओं पर तैनात रहते हैं, जिनके परिवार यहाँ छतरपुर ज़िले में हैं, उनको कोई भी पुलिस से रिलेटेड परेशानी है, कोई भी उनको अपराध की या कोई परेशानी की शिकायत करनी है, तो उसके लिए डेस्क खोली गई है। इसमें उनकी जो शिकायत रहेगी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और हर हफ्ते उसकी समीक्षा एडिशनल एसपी करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो जवान हमारे सीमाओं पर तैनात हैं वे तनाव रहित होकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकें, और उनकी जो भी यहाँ समस्या है उसके लिए ये हेल्प डेस्क काम करेगी। यदि उनकी शिकायतें दूसरे विभागों से संबंधित हैं तो हम वहाँ भी संपर्क करके और प्रयास करेंगे कि उसका त्वरित निराकरण हो पाए। समस्या ये है, लड़का मारता है हम लोगों ने, चप्पल जूतों से खाना नहीं खाने देता, लातों से कुचलता है खाना को, ताला लगा, पत्थर फेंकता है, हम लोग घर नहीं आ पाते। आप थाने गए थे साहब, थाने तो कहा कि गए पकड़ गए, हम मिला नहीं है। आज यहीं आए थे साहब के यहाँ, आए थे तो उन्होंने कहा हम कर रहा भाई, उसको पकड़वा रहे। यहाँ नौ गाँव में रिपोर्ट करी थी तब टी आई साहब यहाँ लुवा ले आए, खाना नहीं खान देता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, लातों से आटा फेंक देता है, ताला डाल देता है। वो बोलता है कि जगह बेचो हमको पैसे दो, कहीं से भी लिया हमको पैसे दो। वो जी कहता है कि चाहे तू अपनी इज्जत बेच के लिया लेकिन पैसा दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।